आज जो है हम आप लोगों को लेंथ चैप्टर का न्यूमेरिकल्स के बारे में बताएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो हम इसका एफ लेंगे। एफ दिया हुआ है, एफ एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और इसके साइन की बात करेंगे तो मैंने बताया था कि उत्तल लेंस होगा तो इसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे। और इसकी क्षमता पूछा हुआ है तो क्षमता का फार्मूला आपको बताया गया है, पी इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम रखेंगे यहाँ पर 100 अपॉन 20, और 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 0 0 कट जाएगा, 2 5 10, तो कितना आ गया, 5। ये 5 डायोप्टर क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता, यानी फी इक्वल टू, अगर प्लस में लिखना चाहते हैं तो प्लस में लिख सकते हैं, +5 डायोप्टर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्षमता ऑलरेडी दे चुका है, चूँकि उत्तल लेंस है इसलिए यहाँ पर पी इक्वल टू +2D दिया हुआ है, और हमको फोकस दूरी पूछा हुआ है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला पी इज इक्वल टू, यदि हम 100/f लिखेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा, और 1/f लिखेंगे तो मीटर में आएगा, तो जैसा आपको सुविधा पड़े 100/f कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू निकालना है तो एफ इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू 100/p, 100/p का मान रख देंगे, पी का मान दिया हुआ है 2, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 50, यानी एफ आ गया +50 सेंटीमीटर, ये स्टूडेंट्स आंसर हो गया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट में प्रवेश करता है कितनी है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 3×10⁸ m/s। प्रकाश वायु से इतने अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट में प्रवेश कर रही है, कांच में प्रकाश की चाल पूछा हुआ है और निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि एन इज इक्वल टू होता है सी अपॉन वी। अपवर्तनांक का मान दे दिया है, प्रकाश वायु से जो है कांच में प्रवेश कर रही है, वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट में प्रवेश कर रही है, तो एन का मान हम रख देंगे 1.50। प्रकाश की चाल दिया हुआ है निर्वात में कितना, 3×10⁸ बटे भी निकालना है हमको, कांच में प्रकाश की चाल, भी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो भी इज इक्वल टू हो जाएगा 3×10⁸ बटे 1.50। हम चाहें 10 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं 10 को हटाने के लिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा 30×10⁸ अपॉन ये 10 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 15। अब देखिए स्टूडेंट्स, 15 का भाग दे देंगे 30 में, 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आपका भी इक्वल टू आ गया 2×10⁸ m/s। ये क्या होगा, कांच में प्रकाश की चाल होगा, कांच में प्रकाश की चाल होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो तीन क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो इसको जानने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी जैसे लाइट वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल
इन्हीं के रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी एन इक्वल टू वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यदि हम मान लेते हैं कि वायु या निर्वात से नहीं आती है, फिर दूसरे किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वहाँ पर हो जाएगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तब इसके अनुपात को हम कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है किसी भी माध्यम, किसी भी मीडियम का जो अपवर्तनांक होता है वायु के सापेक्ष जो उसमें चाल होती है उतना गुने का वो अनुपात होता है। यानी कहने का मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अभिप्राय यह है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। यानी वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल, इसका रेशियो कितना है? 2.42। यानी यही क्या है, एन का मान है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता, चूंकि अवतल लेंस है, एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका -2 मीटर। माइनस में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अवतल लेंस है। तो क्षमता ज्ञात करनी है तो फार्मूला आप जानते हैं, P इक्वल टू 1/F। हमने 1 अपॉन क्यों रखा? क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ फोकस दूरी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा P इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, एफ़ की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे माइनस का 2, तो 1/F। अब क्या करेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे, 1 में भाग देंगे जब आप, तो देखिए भाग नहीं जाएगा, 10 में उड़ाएंगे 0 2 5 10, तो यानी आ जाएगा 0.50। तो यहाँ से पी का मान आ गया 0.5। या इसको यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके करेंगे आप, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके करेंगे, तो देखिए एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 मीटर में है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू -200 सेंटीमीटर। तो जब इतना आ गया, तब जब आप निकालेंगे पी, पी इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू माइनस का 200 यहाँ से, तो ये 2020 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा -1/2, यानी आ जाएगा -0.5 डायोप्टर। चाहे वैसे करिए चाहे ऐसे, दोनों तरह से सही है। ओके, अगला सवाल दिया हुआ है कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यानी भी की वैल्यू दिया हुआ है वास्तविक तथा उल्टा, उत्तल लेंस से बन रहा है, तो उत्तल लेंस से जब वास्तविक और उल्टा बनता है तो हमेशा राइट साइड में बनता है, तो भी इक्वल टू दिया हुआ है आपको 50 सेंटीमीटर, माइनस में नहीं लेंगे। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा हो। यानी उसी साइज का बनने का मतलब है कि मैंने बताया था कि जब वस्तु की साइज और प्रतिबिंब की साइज सेम हो गई, वास्तविक और उल्टा, इसलिए m का मान -1 हो गया। तो कह रहा है कि यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का वस्तु है, तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमको वस्तु की दूरी मालूम होगी, तब जाके जो है हम उसका फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो है इसका प्रतिबिंब यानी वस्तु कहाँ रखी गई है वो मालूम होगा। उसके बाद जब हमको यू भी मालूम हो जाएगा, तो यह फाइंड आउट करके हम लेंस की क्षमता को फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यम इज इक्वल टू फार्मूला होता है वी अपॉन यू, बताया गया आपको, एम का मान -1 इज इक्वल टू वी का मान 50, यू का मान 1, सॉरी यू निकालना है, तो यू बराबर आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। फिर अगेन हम लेंस से सूत्र अप्लाई कर देंगे, लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/V -1/U। आपको अब यहाँ से यह फाइंड आउट करना है, यू तो देखिए मालूम हो गई कि वस्तु कहाँ रखी गई है,
50 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। वस्तु 50 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, यानी ये क्वेश्चन में जो पार्ट वन था वो सॉल्व हो चुका है। हमको दूसरे पार्ट के लिए फोकस दूरी चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा वी की वैल्यू हम रख देंगे 50 और यू की वैल्यू माइनस में रखा जाएगा, -50 हो जाएगा 1/50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/50। ओके देखिए एलसीएम ले लेंगे तो 50 आ जाएगा और ए 1/2 हो जाएगा, तो 1/F इज इक्वल टू 2/50, इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 25। 1/F इज इक्वल टू, तो F इज इक्वल टू कितना आ गया 25। अब हमको निकालना है P, तो जब P निकालेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/F, क्यों, क्योंकि यह सेंटीमीटर में आया हुआ है, तो P इक्वल टू हो जाएगा 100/25, ये कट जाएगा +4 डायोप्टर, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा P इक्वल टू प्लस, ठीक है। F निकाल लिया, F निकालने के बाद हमने लेंस की क्षमता का फार्मूला लगा दिया, P बराबर 100/F, तो P इक्वल टू 100/25, P इक्वल टू +4 डायोप्टर। अब आपका लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, लास्ट प्रश्न इसको हम लोग देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, यानी O का मान दिया ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए अभिसारी लेंस क्या होता है, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, ये मालूम होना चाहिए तभी जो है आप सवाल को लगा पाएंगे। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है, तो यहाँ करा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी F पॉजिटिव हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है कोई वस्तु, यानी U की वैल्यू हो गई -25 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी हम निगेटिव में लेते हैं। तो कह रहा है प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति बताइए। तो पहले हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमको भी निकालना पड़ेगा, और साइज बताने के लिए हमको आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग भी निकाल लेते हैं लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र अप्लाई करेंगे। थोड़ा राइटिंग नहीं सही है, आप लोग इसे समझ लीजिएगा। देखिए लेंस के सूत्र से जब लेंस का सूत्र अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 1/F इज इक्वल टू 1/V -1/U। यहाँ से हो जाएगा F की वैल्यू हम रख देंगे 1/10, भी फाइंड आउट करना है छोड़ देंगे, U की वैल्यू माइनस में रखेंगे तो ये प्लस बन जाएगा 1/25। इसको इधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा 1/10 -1/25 इज इक्वल टू 1/V इज इक्वल टू 1/10 -1/25। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम यदि हम लेते हैं तो देख लीजिए, एलसीएम एलसीएम इनका निकालेंगे हम 25 10 का, तो 5 5 5 5 25, 5 2 10, 5 से 5 बार में कट गया और ये 2 बार में कट गया, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 5 5 5 5 2 50 एलसीएम आ गया। डिवाइड कर देंगे 10 5 50, 5 का मल्टीप्लाई -25 2 50, 2 1 2 कितना आ गया 3/50। यानी भी की वैल्यू कितनी आ गई, 50/3 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगा, प्लस में आ रहा है इसका मतलब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ओके फ्रेंड्स देख लीजिए कितना आएगा। अब ये तो हो गई प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति कि 50/3 सेंटीमीटर दूर बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब लेकिन बताना है कि साइज, प्रकृति तो हमको मालूम हो गई, साइज बताने के लिए हमको आवर्धन का फार्मूला लगाना होगा। आवर्धन का, आवर्धन इक्वल टू होता है m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू i/o।
तो यहाँ पर m, यहाँ पर भी की वैल्यू हमको मालूम हो गई, भी की वैल्यू रख देंगे 50/3, और कुल के बट्टे u की वैल्यू हम रख देंगे माइनस का 25 बराबर। इमेज निकालना है, o की लंबाई दिया है 5। देखिए ये क्या हो जाएगा, 50 3 नीचे आ जाएगा, 3 × -25 बराबर i/5। जब हम आई निकालेंगे तो 5 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 50 × 5/3 × -25 बराबर आई। अब देखिए 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 25, ये कट गया 15 = 50, तो i = आ गया -10/3। यानी माइनस में आने का मतलब है कि उल्टा बन रहा है, यानी इमेज की लेंथ कितनी हो गई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो गई, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई 10/3 सेंटीमीटर, इतनी लंबी इमेज बनेगी। ओके, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब यदि करेंगे तभी जो है आप लोगों को मालूम चलेगा कि वीडियो अपलोड हो रहा है।